हेलो फ्रेंड्स, मैं सीबू गेम वर्ल्ड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातें माइनक्राफ्ट की जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि जब आप कोई वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे या वर्ल्ड क्रिएट करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं वर्ल्ड खेलने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ल्ड टाइप दिया हुआ है, तो इसे ओपन करेंगे तो फ्लैट, इन्फिनाइट और ओल्ड वर्ल्ड आता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इन्फिनाइट रहता है, तो आप जब भी वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं तो वो इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है। तो अभी हम सेलेक्ट करते हैं फ्लैट टाइप। इन्फिनाइट वर्ल्ड में हमारा जो वर्ल्ड है वो इन्फिनाइट रहता है, हम जितना भी आगे जाएं वर्ल्ड कभी ख़त्म नहीं होता है। उसमें पहाड़ होते हैं, ट्रेंच होते हैं, रिवर्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्लैट वर्ल्ड में कुछ नहीं होता, एक प्लेन सरफेस होता है, वो भी घास का। तो जैसे ही आप इसे स्टार्ट करेंगे, फ्लैट वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे, तब जो आपका मैप जनरेट होगा, जो मैप आपके सामने आएगा वो रहेगा पूरा फ्लैट। ना उसमें पहाड़ होंगे, ना नदियाँ होंगी, कुछ भी नहीं, बल्कि आपको इस वर्ल्ड में स्लाइम्स दिखेंगे जो कि इन्फिनाइट वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होते हैं। आपको कभी कभी बस दिखते हैं, इसके लिए इनका फॉर्म बनाना पड़ता है या स्पॉनर बनाना पड़ता है, तब ये स्पॉन होते हैं। बाकी इन्फिनाइट वर्ल्ड में आपको ये आराम से दिख जाएंगे। तो इन्फिनाइट वर्ल्ड में ये बहुत ही कॉमन होते हैं और घूमते रहते हैं। थर्ड फैक्ट है कि फ्लैट वर्ल्ड केवल 4 ब्लॉक्स डीप होता है। यदि आप इसमें नीचे डिक करेंगे तो आपको 3 ब्लॉक के बाद में बेडरॉक दिखाई देगा, और जैसे ही बेडरॉक को आप तोड़ेंगे तो आप नीचे के वर्ल्ड में आ जाएंगे। तो जो फ्लैट वर्ल्ड होता है वो केवल 4 ब्लॉक का डीप ही होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता। ये वर्ल्ड बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है और कुछ नहीं। अब चलते हैं दूसरे टाइप के वर्ल्ड की तरफ, यानी कि ओल्ड। इन्फिनाइट तो आप जानते हैं कि क्या है, उसमें आप खेलते भी हैं, तो आप जानते हैं कि ओल्ड वर्ल्ड यानी ओल्ड वर्ल्ड का मैप क्या होता है। तो बेसिकली जब माइनक्राफ्ट पहले बनाया गया था तब ये लिमिटेड था, इन्फिनाइट नहीं था। तो एक और फैक्ट है कि ओल्ड वर्ल्ड जो था वो लिमिटेड था और इसकी बाउंड्री सेट थी, यानी कि इस पार इसके बाद आप जा नहीं सकते थे। ये देखिए, आपको एक सीधी लाइन दिख रही होगी जिसके उस पार आप चाहकर भी नहीं जा सकते थे। ये एकदम सीधी लाइन थी और यही थी बाउंड्री आपके ओल्ड वर्ल्ड की। आप बस इसी बाउंड्री के अंदर खेल सकते थे। फिर बाद में अपडेट के साथ में इन्फिनाइट वर्ल्ड इंट्रोड्यूस हुआ। एक और फैक्ट ये है कि ओल्ड वर्ल्ड में अगर आप जाके अगर डर पोर्टल बनाते हैं और उसे फ्लिंट एंड स्टोन से एक्टिवेट करते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। सिंपली जैसा नॉर्मल जलता है वैसा जलेगा और आपके पास कोई भी नदर पोर्टल एक्टिवेट नहीं होगा। बल्कि आप अगर फ्लैट वर्ल्ड में बनाएंगे नदर पोर्टल तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंदर जाने पे आपको दिखेगा कि उसका नदर पोर्टल भी फ्लैट रहता है। उसमें वैसे केव्स नहीं रहते और भी सारी चीज़ें नहीं होती। देखिए, सिंपल फ्लैट आपको दिखेगा जिसमें आपको घास का साइज काफ़ी बड़ा दिखेगा। देखिए कितने बड़े बड़े घास दिख रहे हैं इसमें। तो बेसिकली फ्लैट वर्ल्ड के जो नेदर रहते हैं वो भी फ्लैट रहते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि अगर आपके पास ओल्ड वर्ल्ड है तो उसको आप इन्फिनाइट वर्ल्ड में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल वर्ल्ड में देखेंगे तो आपके पास केवल ऑप्शन रहता है डिलीट वर्ल्ड और कॉपी वर्ल्ड का, लेकिन अगर आप जाएंगे आपके ओल्ड वर्ल्ड में और उसमें देखेंगे एडिट ऑप्शन में, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि अपने जो ओल्ड वर्ल्ड है उसको मेक इन्फिनाइट करने का, यानी डिलीट और कॉपी के अलावा आपके पास इन्फिनाइट बनाने का भी ऑप्शन रहता है। तो जैसे ही आप इन्फिनाइट में क्लिक करेंगे और प्ले में क्लिक करेंगे तो आपका वर्ल्ड ओल्ड से इन्फिनाइट में चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस दिखाता हूँ। जब हमने ओल्ड वर्ल्ड में खेला था तो उस पार हम जा नहीं सकते थे, लेकिन अब इन्फिनाइट बनने के बाद में हम उस पार जा सकते हैं। ये देखिए, ये बड़ी लंबी दीवार खड़ी हो गई है जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था, खाली था, वहाँ इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। और जैसे ही आप उस पार जाएंगे आपको इन्फिनाइट वर्ल्ड दिखेगा जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो इस तरीके से आप अपने ओल्ड वर्ल्ड को इन्फिनाइट वर्ल्ड में चेंज कर सकते हैं। आपको क्लियर अंतर दिख रहा होगा ओल्ड वर्ल्ड में इस साइड के और इस साइड के वर्ल्ड में। देखिए, जो उस साइड का वर्ल्ड था उसमें देखिए दीवार कितनी ऊंची दिख रही है। ये तो यही बाउंड्री थी पहले इसकी। एक और अच्छी चीज़ आपको मैं सेटिंग में दिखाऊंगा, वो है रैंडम टैक्टिक स्पीड। ये जनरली 1 होता है जिसे आप किसी भी अमाउंट में सेट कर सकते हैं। जैसे मैं 1000 में सेट करता हूँ,
तो ये गेम का इंटरनल क्लॉक होता है जो हर चीज़ की स्पीड को तय करता है। इसे बढ़ा देने पर आपके पेड़ जल्दी ग्रो होने लगेंगे और आपकी फसल जल्दी पकने लगेगी। तो इसका यूज़ करके आप अपने सर्वाइवल सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप देख ही सकते हैं कि पेड़ कितनी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं इस स्पीड के कारण। इसके अलावा जब आप खेती भी करेंगे तो इस रैंडम स्पीड के कारण आपकी फसल आपके सामने आंखों के सामने देखते ही देखते बड़ी होगी और पक भी जाएगी। तो ये जादू आपने पहले नहीं देखा होगा। तो रैंडम टिक स्पीड के कारण ये सब जल्दी जल्दी होने लगता है, जो पहले माइनक्राफ्ट में पॉसिबल नहीं था। तो आप जल्दी जल्दी खाना उगा सकते हैं, जल्दी जल्दी खेती कर सकते हैं, आपके पेड़ जल्दी जल्दी बड़े हो सकते हैं। बस आपको ये रैंडम टिक स्पीड को आगे थोड़े बड़े अमाउंट में सेट करना होगा। ये देखिए कितनी जल्दी फसल पकती है। तो नौवां पॉइंट ये है कि अगर आपको सर्वाइवल सीरीज में किसी को मारना ही है, जानवर को मारना है, तो उसे फ्लिंट एंड स्टील की मदद से आग लगा कर मारिए। नॉर्मली जानवर को मारने पे उसका जो मीट है वो आपको मिलता है, फिर आपको उसे पकाना पड़ता है, क्योंकि रॉ मीट आपकी भूख उतनी नहीं मिटा सकती जितने की पकने के बाद होती है। तो आप जब आप इसे जला कर मारेंगे तब आपको पका हुआ मीट मिलेगा, यानी कुक्ड बीफ मिलेगा, जिसे आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं और आपको खाने की ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। अब दसवां और आखिरी पॉइंट है नेचर ऑफ आइस, यानी कि आइस ब्लॉक को अगर आप किसी सॉइल ब्लॉक के ऊपर रख के तोड़ेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपने ज़्यादातर स्काई ब्लॉक की सीरीज में देखा होगा। लेकिन तब क्या कि जब आप आइस को प्लेस करें और नीचे का ब्लॉक हटा दें, यानी तब क्या होगा जब आइस हवा में लटका रहे और उसे कोई भी रेस्टिंग पोजिशन ना मिले, तब अगर इस पोजिशन में अगर आप आइस को तोड़ेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, बजाय उसके वो पूरी तरीके से टूट जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये थे भाई 10 फैक्ट्स माइनक्राफ्ट के जो शायद आप नहीं जानते होंगे। होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरे दोनों चैनल्स हैं, गेम पोर्टल 2.0, दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।